जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेंसरी ऑर्गन्स के ईयर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि फ्रेंड हम आप लोगों के लिए फार्मा से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। फ्रेंड तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। थ्री रीजन मीन्स ईयर जो है थ्री पार्ट होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ईयर एंड सेकंड मिडिल ईयर एंड थर्ड है इनर लेयर। तो हम फ्रेंड जान लेते हैं ईयर के बारे में। आउटर विजुअल पार्ट होता है एंड ट्यूब एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द पिन्ना इनटू द सब्सटेंस ऑफ द स्कल टू द मिडिल ईयर टिम्पैनिक कैविटी। मीन्स ये जो होता है हमारे पिन्नस जो है जुड़ा होता है स्कल जो है स्कल से, और मिडल जो है ईयर जो होता है वो टिम्पैनिक कैविटी में होता है। इसके बाद वह नेक्स्ट पॉइंट है वेरिंग डिग्रीज ऑफ मसल्स अटैचमेंट लैंड मूवमेंट टू द ईयर। में जो है डिग्री करता है मसल जो है अटैचमेंट के मूवमेंट के ऑफ ईयर के। इसके बाद है मिडल ईयर। मिडल ईयर सेपरेटेड बाई इनर ईयर बाई मेम्ब्रेन्स दैट क्लोज द वेस्टिबुलर ओवल विंडो एंड कोचलियर राउंड विंडो। मीन्स मिडल ईयर जो होता है सेपरेट होता है टू पार्ट में मेम्ब्रेन के। पहला होता है ओवल एंड सेकेंड होता है कोइलर, जिसको जो है राउंड विंडो बोलते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिडल ईयर कम्युनिकेट विथ द फेरिंग्स बाई वे ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब यूस्टेचियन ट्यूब जिसे कहते हैं। मिडल ईयर जो होता है कम्युनिकेट करता है फेरिंग से, जिसे कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटरी ट्यूब अलाउज फॉर प्रेशर इक्वलाइजेशन। मीन्स ऑडिटरी ट्यूब जो होती है यह अलाउ करती है प्रेशर जो है इक्वलाइजेशन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद इन द मिडिल ईयर कॉमा आ मैकेनिकल लिंकेज इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन क्लोजिंग द वेस्टिबुलर विंडो बाई थ्री ऑडिटरी एस्कुलस बोन्स। पहली है इनकस, जिसको जो है हैमर बोलते हैं, और सेकंड है मेलियस, जिसको कि एनमी बोलते हैं, एंड थर्ड है स्टेपिस, जिसे कहते हैं स्टिरप बोलते हैं, और जो है ये सबसे छोटी हमारी हड्डी होती है कान की स्टेपिस। इसके बाद ये जो है हमारा फिगर है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोवाइडेड बाई लिवर ऑफ द ऑस्कल्स एंड बाई द ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच ट्रांसमिट साउंड टू द स्मॉलर सरफेस एरिया टू द वेस्टिबुलर विंडो। इसमें क्या होता है ये साउंड को जो है प्रोवाइड करता है स्मॉलर सरफेस एरिया से वेस्टिबुलर विंडो पर। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सेसिवली लाउड साउंड आर डंपेंड बाई टू स्केलेटल मसल टेंसर टिम्पैनी एंड दी स्टेपिडियस। मीन्स ये कहता है लाउड साउंड जो है करता है टू स्केलेटल मसल जो होती है जिसका पहली है वो है टेंसर टिम्पैनी एंड सेकंड है स्टेपिडियस। तो फ्रेंड हमारा लास्ट है इनर ईयर। इसमें पहला पॉइंट है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। मीन्स ये जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। पहला है इसमें वेस्टिबुलर पोर्शन विच इज सेंसरी फॉर पोजीशन एंड बैलेंस एंड रिसीव ब्रांच ऑफ क्रैनियल नर्व एट वेस्टिबुलो कोलियर। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वेस्टिबुलर पोर्शन विच सेंसरी पोजीशन जो होता है बैलेंस करते हैं रिसीव करता है ब्रांच क्रैनियल नर्व को एट जो है वेस्टिबुलर कोलियर। इसका सेकंड है कोलियर पोर्शन विच इज सेंसरी फॉर साउंड एंड रिसीव
दी कोक्लियर नर्व अ ब्रांच ऑफ क्रैनियल नर्व 8। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट विथ अ बोनी एक्सकेवेशन नॉन एच डी ओसियस लेबरिंथ लेबरिंथ रिफरिंग टू अ इंट्रिकेट कॉम्बिनेशन ऑफ पैसेजेज। इसका हमारा नेक्स्ट है बिकॉज द कोक्लिया इज कॉइल्ड इट कैन ऑक्यूपाई लिमिटेड स्पेस मीन्स जो है कोक्लिया जो है ये कॉइल्ड होती है और जो है लिमिटेड स्पेस में ऑक्यूपाई करती है एंड अनकॉइल्ड कोक्लिया विल प्रोजेक्ट द इन टू द ब्रेन मीन्स जो अनकॉइल्ड कोक्लिया होती है वो प्रोजेक्ट जो है ब्रेन जो है प्रोजेक्ट होती है। इसके जो है फिगर ये है पिन्ना है ईयर कैनाल ऑडिटरी स्कल्स एंड बोनी लेबरिंथ एंड क्रैनियल नर्व 8 एंड टिम्पानिक बुला ऑडिटरी ट्यूब एंड मिडल ईयर एंड लास्ट नंबर जैसे क्या है टिम्पानिक मेम्ब्रेन। इसके बाद है कैपुला ऑफ कोक्लिया 1 mm साइट ऑफ सेकेंडरी स्पेशल लेमिना है एंड ओवल विंडो है एंटीरियर एम्पुला एंड लेटरल एम्पुला है। इसके बाद में एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है लेटरल सेमिकुलर कैनाल है एंड इसमें कोलियर एक्वाडक्ट है राउंड विंडो है वेस्टिबुलर है वेस्टिबुलर एक्वाडक्ट है कॉमन कर्स है एंड पोस्टीरियर सेमी कैनाल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ इज हाउस्ड इन द पार्ट ऑफ द ओसियस लेबरिंथ कॉल्ड द वेस्टिबुल एंड 3 semi सर्कुलर कैनाल्स एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईच कैनाल लीव्स एंड रिटर्न टू द वेस्टिबुल मीन ईच कैनाल जो है लीव्स होती है एंड रिटर्न करती है वेस्टिबुल में। इसके बाद है कोक्लियर पोर्शन हाउस मोस्टली इन दी कोक्लियर पोर्शन ऑफ द ओसियस लेबरिंथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।